भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। जंगल की आग से हर दिन वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। वनों की आग से पहले अधिक कुमाऊं मंडल प्रभावित हुआ है। राज्य में पिथौरागढ़ वन प्रभाग में सर्वाधिक जंगल की आग की घटनाएं हुई। तराई पूर्वी अल्मोड़ा और चंपावत वन प्रभाग में 50 से अधिक जंगल की आग की घटना हो चुकी है। केवल नैनीताल सोइल कंजर्वेशन वन प्रभाग में कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई। गढ़वाल मंडल की बात करें तो सर्वाधिक जंगल की आग लगने की घटना सिविल स्वयं पौड़ी वन प्रभाग में हुई है। यहां 65 आग लगने की घटनाएं हुई हैं। मसूरी में भी 42 घटनाएं हुई हैं। वन प्रभाग वनाग्नि की घटनाएं पिथौरागढ़ में 106, 159, तराई पूर्वी 104.94, 90, चंपावत 54.99, 55, अल्मोड़ा 85.5, 56, रामनगर 45.37, 31, नैनीताल 34.65, 29, हल्द्वानी 28.3, 27, सिविल स्वयं 41.5, 26, बागेश्वर 34.47, 28, तराई केंद्रीय 11.96, 12, सोइल कंजर्वेशन रानीखेत 24.25, 12, तराई पश्चिम 2.53, सोइल कंजर्वेशन रामनगर 12, 24.25। पिथौरागढ़ वन विभाग में पिथौरागढ़, गगोली हाट, बड़ी नांग, डीडी हाट, अस्कौर, धारचूला, मुनस्यारी रेंज है। इसमें डीडी हाट रेंज आग की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील है। चंपावत वन प्रभाग के अंतर्गत जिले के पाटी ब्लॉक में इस बार आग की घटनाएं अधिक हुई है। इस प्रभाग में सिर्फ भिंगराड़ा चीड़ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अधिक संवेदनशील बना हुआ है। अल्मोड़ा में जागेश्वर, सोमेश्वर, रानीखेत, मोहन, अल्मोड़ा, द्वारहाट रेंज सबसे अधिक संवेदनशील है। पिथौरागढ़ वन प्रभाग में गंगोली हाट और डीडी हाट में रेंजर के पद रिक्त हैं। बड़ी नाग रेंजर को गंगोली हाट और अस्कॉट के रेंजर को डीडी हाट का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। पिथौरागढ़ में 2 सब डिवीजन डीडी हाट और बड़ी नाग हैं। दोनों में एसडीओ की तैनाती हो गई है। आग पर काबू करने के लिए एक रेंज में लगभग 15 कार्मिकों की टीम और लगभग 100 फायर वॉचर है। संभावत वन प्रभाग में 2 एसडीओ के पद हैं। इसमें एक पद पर एसडीओ की स्थायी तैनाती है। यहां पर फायर सीजन शुरू होने के बाद 4 वाहनों को किराए पर लेकर टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। हल्द्वानी वन प्रभाग में 1 एसडीओ का पद रिक्त है। अल्मोड़ा वन प्रभाग में रेंजर के 5, डिप्टी रेंजर के 10, वन दरोगा के 16 और वन रक्षक के 12 पद रिक्त है। वहीं सिविल स्वयं में डिप्टी रेंजर का 1, वन दरोगा के 8 और वन रक्षक के 22 पद रिक्त है। जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। संवेदनशील जगहों पर स्वयं भी पहुंच रहा हूं। जहां कोई भी कमी है उसे दूर किया जा रहा है। प्रसन्न पात्रों, मुख्य वन संरक्षण कुमाऊं। धरातल पर ज्यादा जंगल धधक रहे हैं। इसमें कुमाऊं मंडल सबसे ज्यादा प्रभावित है, पर वन विभाग की वेबसाइट पर वनाग्नि की सूचना कम दर्ज हुई है। ये एक वन प्रभाग का मामला नहीं है, बल्कि कई प्रभागों में यही स्थिति दिखी है। बाद में वन विभाग ने आनंद फानंद वेबसाइट पर सूचना को अपडेट किया। वन विभाग की वेबसाइट पर वनाग्नि के संबंध में सूचना दी जाती है। इसमें रीजन के अलावा प्रभाग वार की भी सूचना का उल्लेख होता है। प्रभाग वार आग की घटना, प्रभावित क्षेत्रफल, आग किस तरह के जंगल में लगी, मानव क्षति समेत अन्य डिटेल होती है। विभाग ने 4 मई तक जो सूचना अपडेट की थी, इसमें पिथौरागढ़ वन प्रभाग में 88 आग लगने की सूचना और करीब 129 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान होने की बात का उल्लेख था। पर प्रभाग में आग की 4 मई तक जंगल में आग लगने की 106 घटना हो चुकी थी। इसमें 159.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को पहुंचा नुकसान था। इसी तरह अल्मोड़ा वन प्रभाग, सिविल स्वयं वन प्रभाग, अल्मोड़ा से लेकर तराई पूर्वी वन विभाग में कुल वनों की आग की घटना कम की सूचना उल्लेख था। बाद में प्रभाग स्तर और मुख्यालय की वेबसाइट में दी जा रही सूचनाओं में अंतर को लेकर अधिकारियों से पूछा गया। इसके बाद विभाग हरकत में आया। बाद में विभाग की वेबसाइट में सूचनाओं को अपलोड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।